दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा साहब। मैं अब लेके आया हूं ऐसा विश्लेषण आपके सामने जो न्यूज 18 या न्यूज नेशन, हाँ न्यूज नेशन दीपक चौरसिया का वही है ना, हाँ उसी पे इंटरव्यू राहुल गांधी जी का लिया गया और वही एनालिसिस में लेकर के आया। राहुल गांधी का वो आत्मविश्वास और राहुल गांधी का वो एकदम से फ्रेम हो जाना वाकई में मुझे प्रभावित कर गया। शायद आपको प्रभावित किया हो ना किया हो, शायद मोदी भक्तों को प्रभावित किया हो ना किया हो, लेकिन मुझे तो भाई प्रभावित कर गया। प्रभावित इसलिए भी कर गया क्योंकि कई बार माफ़ी मांगनी पड़ी दीपक चौरसिया को जब राहुल गांधी जी के सीधे सीधे जवाबों का सामना उन्हें करना पड़ा। बहुत सारे लोगों ने ये न्यूज़ नेशन का जो इंटरव्यू था देखा होगा और उस पर बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी होंगी, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी बार बार बोल रहे थे नहीं आपको मेरा जवाब पसंद नहीं आया तो इसको एडिट कर दीजिएगा, सवाल उन्होंने कुछ ऐसे पूछे थे जैसे कि उनको पढ़ा के भेजा गया हो राफेल के मामले में, गांधी परिवार के मामले में और सबके मामले में, लेकिन राहुल गांधी ने हर वो सवालों के जवाब बड़े तीखेपन से दिए और निरुत्तर कर दिया। 84 के दंगों की बात उठी तो उन्होंने बोला कि सैम पित्रोदा को माफ़ी मांगनी चाहिए, मैंने पहले ही बोल दिया था। इमरजेंसी के बारे में सवाल पूछा गया कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, बोला गलत लगाई थी, नहीं लगानी चाहिए थी। हर मोर्चे पर राहुल गांधी मोदी जी को टंगड़ी लगाते हुए नजर आ रहे हैं, टंगड़ी मतलब देसी शब्द यूज़ कर रहा हूँ, टंगड़ी लगाते हुए नजर आ रहे हैं और वाकई में वो अपने आप को मोदी से हमेशा बेहतर इंसान साबित और बेहतर नेता साबित करते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे उनकी समझ रवीश के सामने इकोनॉमी के मामले में हो और जो समझ उनकी देश के इकोनॉमी के बारे में हो, जो वो सोचते हैं कि एक न्याय योजना शुरू करेंगे और न्याय योजना में इकोनॉमी में पैसा जाएगा और उसके बाद खरीदारी होगी और उसके बाद व्यापार बढ़ेगा, शायद ये मीडिया नहीं दिखा रहा। लेकिन जो ये मोदी मीडिया आया था वो राहुल गांधी की वो परीक्षा लेने आया था, शायद उनको डाउन करने के लिए आया था और बार बार उनसे वही क्वेश्चन कर रहा था राफेल के बारे में और उन सारे सवालों के बारे में जो भारतीय जनता पार्टी उठाती रही है। दीपक चौरसिया की घिग्गी बन गई थी जब राहुल गांधी ने उनसे उनके सवालों पर ये बोलना शुरू कर दिया, आप एडिट कर दो, डर लग रहा है मेरे जवाब से, तो तब समझ में आ जाता है कि मोदी मीडिया को इंटरव्यू एक ऐसा नेता दे रहा है जिसके बारे में छवि इसी मीडिया ने बनाई थी कि वो पप्पू है और वो पप्पू इनको इस तरह से लात मार रहा था अपने शब्दों के द्वारा कि संभालने में नहीं आ रहे थे, सबके चेहरे उतरे हुए थे, एडिटर के भी चेहरे उतरे हुए थे और दीपक चौरसिया का भी चेहरा उतरा हुआ था। कोई सवाल था तो सिर्फ मोदी के बारे में और मोदी के विज़न के बारे में, लेकिन राहुल गांधी ने बहुत अच्छी तरह से ठोका और अच्छी तरह से बताया। इसके कुछ अंश होंगे मैं ज़रूर डालूंगा क्योंकि मैं बोलूंगा तो शायद आप उसकी परिकल्पना ना कर पाएं, लेकिन जो बातें हुई मेरी कोशिश होगी कि मैं उनको सुना पाऊं आपको। नोटबंदी का चुनाव तो उत्तर प्रदेश के दौरान हो चुका और अपने सिर्फ 3/4 मेजोरिटी के साथ हमने चुनाव जीता। उन्होंने कहा कि जीएसटी पर चुनाव गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने लड़ा और सूरत में काफी प्रचार हुआ, लेकिन उसके बाद भी सूरत की सभी सीटें हमने जीती और अब 5 साल के कामकाज पर चुनाव हो रहा। ये जो जवाब था प्रधानमंत्री की नोट शीट पे था, वो जो कागज था उनके हाथ में, उसमें ये जवाब लिखा हुआ था या नहीं लिखा था? राहुल जो नोट शीट पे तो उनकी सिर्फ कविता लिखी हुई थी, वो तो कविता लिखी हुई था, मगर जो उनकी नोट शीट थी जो उनके हाथ मतलब उन्होंने लिखा था जिसपे क्वेश्चन लिखे हुए थे, वो तो पूरे इंटरनेट ने देखा है, कविता थी मगर उसके क्वेश्चन भी थे। मेरा कहना है कि ये जो उनकी उनका रिप्लाई है ये नोटशीट पर था या ये मेमोरी से आया। सच्चाई ये है कि किसी भी नोटपैड को अपने रेफरेंस के तौर पर नहीं लिया था क्योंकि ये बात उठी है और दूसरी बात आप ऐसे करिए इसको आप एडिट करना चाहते हैं इसको ले लीजिए। कि जो ये मैंने अपना वीडियो ब्लॉग बनाया किस आधार पर बनाया, क्यों बनाया, तो इसको एडिट करके मैं सुबह डाल पाऊंगा, यानी कि आज मंडे है तो ट्यूसडे की सुबह सुनने को मिलेगा ये आपको वीडियो। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।